मोटो व्लॉग कैसे करना है, मोटो व्लॉग के ऊपर चार प्रो टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये चार टिप्स अगर आप समझ जाओगे, यू कैन बी एक्सपर्ट ऑफ मोटो व्लॉगिंग। सो गाइज, मोटो व्लॉगिंग इज सच अ पैशन, लास्ट दो से ढाई साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा चार टू चैनल है मोटो व्लॉग के, नहीं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। एक चैनल में सब्सक्राइबर है 2,30,000, इस वाला चैनल में 16,000 के आसपास, और दो भी और भी चैनल्स हैं। तो भाई का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आपको थोड़ा सा एडवाइस मैं दूँ। तो भाई मैंने सोचा, मैंने जो दो ढाई साल हाल साल में मैंने जो सीखा, आपको टोटल निचोड़ के, आपको टोटल जीस जो रस है उसको मैं आपको पिला दूँ। सो ये वीडियो अगर देख लिया तो मोटो व्लॉगिंग का टोटल एक्सपर्ट आप बन जाओगे। तो चलिए पहले जानते हैं मोटो व्लॉग का कितना टाइप अप होता है। यस भाई, मोटो व्लॉग का टाइप भी होता है, दो तरह के मोटो व्लॉग होता है। यस, मोटो व्लॉग नंबर वन ट्रैवलिंग व्लॉग, अगर कहीं घूमने जा रहे हो, ओके लद्दाख जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, घूमते घूमते आप व्लॉग कर रहे हो, घुमाने का व्लॉग कर रहे हो, ट्रैवल का मोटो व्लॉगिंग, ये है पहला वाला टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है भाई, आप सिटी में घूम रहे हो, ज़्यादा व्लॉग घूम रहे हो, सिटी का सीन लोगों देखा, देखो भाई ये मास्क नहीं पहना है, देखो यहाँ हेलमेट नहीं पहना है, देखो यहाँ पर ये झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना ढकाना ढिमकाना ये सब दिखा रहे हो, तो ये वाला व्लॉग है, ये लाइफ स्टाइल कम मोटो व्लॉग है। तो दोनों व्लॉग का ही कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है भाई। मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है भाई, दोनों ही सीख लो, क्योंकि ट्रैवल मोटो व्लॉग आप तो हर दिन नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली व्लॉगर बनना चाहते हो, आपको यूट्यूब में हर दिन व्लॉग देना चाहिए, एटलीस्ट हर दिन नहीं पॉसिबल, हर वीक में दो से तीन टो व्लॉग तो देना ही चाहिए। तो ये गजब का चीज़ है, अगर आप 365 दिन आप तो इधर उधर बाइक लेकर घर बार छोड़ के घूम नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ये वाला व्लॉग जो सेकेंड टाइप सिटी वाला व्लॉग पर्सनल व्लॉग, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोनों का ही बारे में आपको मैं बोल दे रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो, ये तो कितना टाइप ऑफ व्लॉग होता है ये मैं आपको समझा दिया। नंबर टू, सेकेंड जो टिप है दैट इज़ व्लॉग को आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है। देखो भाई एक चीज़ समझ लो, जो लोग टीवी में आपको व्लॉग देख रहे हैं वो सब जो आप दिखा रहे हो वो भी वो सब देखते हैं रास्ते में निकलने के बाद, राइट। ऐसा कोई नया चीज़ आप नहीं दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं दिखा रहा कोई वॉल्केनो दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं दिखा रहा आप कोई तूफान के अंदर बाइक चला रहे हो, ऐसा तो नहीं दिखा रहा, आप नॉर्मल रास्ते से बाइक चला रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, दोस्तों के साथ मज़े ले रहे हो, शहर में घूम रहे हो, जैसे मैं घूम घूम कर दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा, लाइक नॉन चीज़, जाना पहचाना चीज़ को आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये है सेकेंड टिप। प्रेजेंटेशन करने का कुछ इंटरनल सिस्टम भी है। जो पहला सिस्टम है, आप कैसे बात कर रहे हो, यस मैन हाउ आर यू प्रेजेंटिंग, कितना एक्साइटेड हो आप, एनर्जी लेवल कितना हाई है। देखो भाई बाइक कौन चलाते हैं, जस्ट पागल लोग, मीन्स उन लोगों का एनर्जी लेवल सॉलिड होता है, वही तो बाइक चलाते हैं। जिन लोगों का एनर्जी लेवल भाई ठीक है, चलो होता है चलता है, वो लोग क्या चलाते हैं, वो लोग भाई फोर व्हीलर चलाते हैं, रिलैक्स कंफर्टेबल लग्जरी। हम जैसे लोग, जो लोग एनर्जी लेवल बैटरी एक्स्ट्रा लगता है हम लोगों का, राइट, सो टू मच एनर्जेटिक पर्सन लोग ही बाइक चलाते हैं। जो मोटो व्लॉग देखते हैं वो लोग बेसिकली दे आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो अगर आपका व्लॉग इतना एनर्जेटिक नहीं होगा तो व्लॉग लोग क्यों देखेगा, राइट, खुद से पूछो क्यों। अगर अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई, मैं ऐसे एनर्जेटिक तरीके से खुश होकर मज़े लेके बात कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत ही दुखी राम बन के आपसे भीख मांगू, भाइयों मेरे व्लॉग देख लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करूँगा तो नहीं चलेगा। शेट शेट, रेल गेट पड़ गया है, देखो रेल गेट यहाँ पर, व्हाट द गाली नहीं दे सकता हूँ भाई, ओके रेल गेट पड़ चुका है, ठीक है चलो यार, और भी टाइम मिल गया मुझको आप लोगों के साथ बात करने के लिए। सो नाउ व्हाट द थिंग, ये है देखो, ये मोटो व्लॉग जो मैं पहले वाला जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा था, दैट इज़ चलते फिरते। देखो मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, और शेट मैन जस्ट दो मिनट पहले अगर आता, एक मिनट पहले अगर तो ये फाटक नहीं पड़ता, मैं निकल जा सकता था, बट इट वॉज़ नॉट डन। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ को जो राइट कर रहे हो, जो चीज़ दिखा रहे हो, इसको आप डालो आपके व्लॉग में टू मेक योर व्लॉग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड पूरा इमोशन डाल दो इसके अंदर। इमोशन का मतलब आपका दुख, आपका सुख, आपका जो भी जीवन का रस है, सब कुछ डाल दो मोटो व्लॉग के अंदर। सो दिस इज़ द सेकेंड टिप, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर भाई दो चीज़ और बोल देता हूँ, आपका एनर्जी लेवल हो गया, नंबर टू वॉइस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब आप कैसे वॉइस को मॉड्यूल करके आप
प्रेजेंट कर रहे हो, राइट right. और क्या चीज़ है, और एनर्जी तो बोल दिया, दैट इज़ ऑल, प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा जोड़ दो. टिप नंबर 3, थर्ड टिप है भाई, आपका थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ के ऊपर जोर देना पड़ेगा भाई. आपको बहुत ही उल्टा सीधा सीधा वीडियो देखोगे जहाँ पर आपको बोला जाएगा मोटो व्लॉग के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपके पास जो मोबाइल है मोबाइल से शूट करो. भाई ये सब फालतू पे बकवास है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मेरा करियर शुरू किया था नॉट एज अ नॉर्मल व्लॉगर विद द DSLR 200D 80D. लोकल ट्रेन आ रहा है, देख लो ट्रेन का सीन, देख लो थोड़ा सा पहले. खाली खाली है ट्रेन, पूरा खाली खाली है भाई. लोग डर के मारे ट्रेन में ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे. लोकल ट्रेन चालू हो गया जुमा एक महीना हो गया है, बट ट्रेन देखो भाई. ये जो बोनगा लोकल है, बोनगा लोकल मीन्स ये इसको बोला जाता है बंगाल का सबसे खतरनाक यू नो रेल कनेक्टिविटी, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं. सो जो मैं बोल रहा था दैट इज़ अ मोटो व्लॉग, ये छोटा छोटा चीज़ देखो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ इसमें मैं डाल भी रहा हूँ. ओके तो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन. थर्ड चीज़ मैं जो बोल रहा था टेक्निकल फैक्ट, तो क्या है ये टेक्निकल फैक्ट. देखो भाई मैं शुरू किया था करियर 200D और 80D DSLR कैमरा से. ऐसा सीन था, हाथ में गदा लेकर मैं घूम रहा था, ऐसा सिचुएशन था. अभी तो भाई चलो उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं मोबाइल से भी व्लॉग करता था, मेरा जो Vivo S1 Pro से और पहले वाला जो सैमसंग का फ़ोन से. ओके और अभी मैं जस्ट लाइक एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ. तो टोटल मैंने जो देखा एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर मोटो व्लॉग करने हैं भाई, जो लोग आप लोग को बोल रहे हैं मोबाइल से शूट करो, भाई आपको झूठ बोल रहे हैं. मोबाइल से मोटो व्लॉग नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? देखो मोबाइल को फिक्स भी कर लोगे कैमरा में, बट पहला प्रॉब्लम आ जाएगा मोबाइल से जब आप बाइक चलाओगे, आपका जो वीडियो कैसा होगा, ढक 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 ऐसे पूरा शेकी, आवाज़ नहीं आएगा बट वीडियो का क्वालिटी इतना ही शेकी होगा. और जो देखेगा भाई यकीन मानो इट विल सीम्स दैट उन लोगों का चक्कर आने लगेगा, इतना शेकी. और वीडियो विजुअल जो विजुअल्स है पूरा ब्लार हो जाता है, इतना गंदा आता है. मैं 15-20 ब्लॉक मेरे एक दो स्टार्टिंग में मोबाइल से शूट कर रहा था, मोबाइल होल्डर भी खरीद लिया था बैग से लगाते हुए भाई, वो 1000 का मोबाइल होल्डर पूरा भाई फालतू का पूरा पैसा वेस्ट. तो ये चीज़ मत करो भाई. अकॉर्डिंग टू योर बजट एक एक्शन कैमरा भी खरीद लो, बट वही एक्शन कैमरा खरीदो जिस एक्शन कैमरा में एक्सटर्नल माइक लगाने का फैसिलिटीज़ है. क्यों? कोई भी खरीदो भाई, ये इशू नहीं करते, कोई भी खरीदो. क्योंकि भाई जो वीडियो क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लोग कर देते हैं, बट अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग साउंड क्या आप बोल रहे हो उसमें अगर क्वालिटी ठीक ठाक नहीं आएगा तो नहीं होगा. मैं जो मेरा जो GoPro पहले खरीदा था उसमें एक्सटर्नल माइक का सिस्टम नहीं था, बिकॉज एडाप्टर दूसरा खरीदना था. तो मैंने कोशिश किया था जो इंटरनल माइक है उससे साउंड ग्रैब करूं, बट भाई पूरा दुनियादारी का साउंड यहां पर आ जाता है. मेरा साउंड छोड़कर पूरा दुनिया का ब्रह्मांड का साउंड पूरा आ जाता है, कौन क्या साइड से बोल रहा है. तो एक माइक तो चाहिए. तो ये टेक्निकल चीज़, कैमरा कोई भी खरीदो, एक्शन कैमरा खरीदो अकॉर्डिंग टू योर बजट. कैमरा भाई 5000 का भी है, 30000 का भी है, कोई भी खरीदो ठीक है, बट माइक शुड बी देयर, एक्शन कैमरा ही खरीदो राइट. ये हो गया हम लोगों का कौन सा नंबर टिप्स, थर्ड टिप. अभी आ रहा हूँ फोर्थ टिप है भाई. चलो पांच टिप देते हैं, फोर्थ टिप उसके बाद भी एक और टिप है. फोर्थ टिप है भाई आपको, यू हैव टू नो द बेसिक थिंग दैट इज़ द कंसिस्टेंसी. मोटो व्लॉग का कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए भाई? बाइक चलाते हुए बात करना ये एक आर्ट है राइट. यहाँ पर आपको बाइक चलाने पर भी कंसंट्रेट करना पड़ रहा है और बात करने पर भी कंसंट्रेट करना पड़ रहा है. तो भाई पहले पहले क्या होगा, दो चीज़ एक साथ नहीं होगा. बाइक चला रहे तो यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर करो तो बाइक में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. तो इससे बेटर होगा आप थोड़ा सा बहुत स्लो चलाओ, साइड लेकर चलाओ, ज़्यादा हीरोगिरी मत करो. तो राइट, तो आपको कंसिस्टेंट होना है, रेगुलर होना है. क्यों रेगुलर होना है? रेगुलर जब बात करोगे ऑटोमेटिक आपका फ्लो बढ़ता जाएगा. मेरा एग्जांपल दूँ भाई, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरा हिंदी बहुत 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 बुरा है, अभी भी बहुत बुरा है. इतना आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई हिंदी. मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, बट इंडिया में इंग्लिश वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं हिंदी वीडियो. ओके बहुत मिलता है मुझको प्यार बिहार से, यूपी से, दिल्ली से. मेरा बहुत सब्सक्राइबर दोस्त है, दे लव मी अलॉट, ऑल्सो आई लव यू ऑल माई फ्रेंड्स. तो वो लोग हिंदी भाषी है, तो हिंदी मुझको इतना ज़्यादा नहीं आता था. तो हिंदी हर रोज़ ब्लॉग करते 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 उल्टा पुल्टा बोलते बोलते
मैं भी हिंदी सीख लिया। हिंदी तो पता था, बस बोलने का जो फ्लो होता है ना वो भाई प्रैक्टिस से ही आता है। तो एवरीडे व्लॉग बनाओ, फ्लो आ जाता है आपका, बोलने का जो आर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो जाता है। राइट, नाउ आते वो नंबर फिफ्थ, पांचवा टिप्स, फिफ्थ और लास्ट टिप जो है दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली जस्ट लाइक जब आप बाइक चला रहे हो जोर से, सब 70 80 100 किलोमीटर स्पीड से बाइक चला रहे हो, राइट, जितना भी स्पीड आप ले रहे हो, जब ज़्यादा स्पीड में हो तब मोटो व्लॉगिंग में आप सिर्फ विजुअल शूट करो, आप बातें मत करो। जब आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ बातें करना है, आपको कुछ बोलना है, तो बाइक को थोड़ा स्लो कर दो, क्योंकि फॉर योर सेफ्टी मैन, मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में आपका कुछ हो जाए ये ठीक नहीं है। राइट, तो ये है फिफ्थ टिप्स एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट टिप्स। कई अगर 100 में स्पीड में बाइक चला रहे हो, उसमें बात कर रहे हो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो इट विल बी यू हैव टू पे फॉर दैट। सो ये था टोटल 5 टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ, प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी और क्या बोलूँ, जस्ट लाइक वे ऑफ स्पीकिंग, एनर्जी लेवल एंड और क्या, और जो मैंने बोला दैट इज़ जब स्पीड में हो तब बात मत करो, तब सिर्फ विजुअल्स लो, और जब आप विजुअल्स ले रहे हो, जब आप बात कर रहे हो तब आप ज़्यादा स्पीड मत लो, सब 20 30 40 में ही चलाओ। ऑल दिस शिट्स जो चलो अभी बाइक को आपको अंदर लेना है, ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बना हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।